सो मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इस इतने बड़े कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ टू कंट्रीब्यूटिंग? जैसे मैंने कहा पहले, फाइब्रोस और हमारा रिश्ता भी 4 सालों से जारी है. आई थिंक हमारा ईथॉस जो है बहुत सिमिलर है. दोनों मैं और ये ब्रांड फाइब्रोस ओरिजिनली साउथ इंडिया से हैं, लेकिन वी बिलीव इन कनेक्टिंग थ्रू प्रोडक्ट और इन माई केस मूवीज और क्रिएटिव एंडेवर्स और टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो आई थिंक वो सिमिलैरिटी हमारा ऑलरेडी है, सो आई थिंक दैट एक बहुत अच्छा एक एसोसिएशन. आई कांट इवन हियर, आई कैन हियर ओनली हिम. नो, आई कैन यू जस्ट होल्ड ऑन और रिड्यूस इट. या सॉरी, किसी प्रोडक्ट के लिए खुद को प्रेजेंट करना, ब्रांड एम्बेसडर बनना, तो आप अपने सेल्फ को किस प्रकार प्रिपेयर करती हैं ये सब चीज़ें? डेफिनेटली चेक करती हूँ. और फाइब्रोस का भी 50 सालों से मार्केट में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेबल नेम है. और डेफिनेटली दी जो कहते हैं दी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस जो वो प्रोवाइड करते हैं वो सब मैंने चेक किया. आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रांड. हाउ यू चूज योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर योर हाउस? डिपेंड्स ऑन द डेकोर. आज मैंने एक फैन देखा और मैंने इमीडिएटली सोचा मुझे ये घर में लेना चाहिए. फाइब्रोस के आपने हर अलग अलग कैटलॉग देखे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, स्विचेस, फैंस? आई थिंक ओवरऑल मैं ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं चुन सकती हूँ, बिकॉज मुझे ये एक बात बहुत अच्छी लगती है फाइब्रोस के बारे में कि वो ओवरऑल सोल्यूशन घर के लिए या ऑफिस के लिए ओवरऑल प्रोवाइड करते हैं. और एस्थेटिक बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत ही क्लासी है. जैसे कि बात करेंगे अभी आपकी मूवी की सालार, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही है, 1000 करोड़ कलेक्शन के पार आने वाली है वो जी. तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें आपका सिंपल लुक है लेकिन काफ़ी आप मतलब आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट किए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट नो अबाउट मोटिवेट, लेकिन अगर हमारी कोई भी पिक्चर सक्सेसफुल होती है तो हमें खुशी होती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को पिक्चर अच्छी लगी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस एक बड़े सक्सेस में एक हिस्सा हूँ. लेकिन इसमें एसएस राजामौली का भी कहना था कि मैं जब श्रुति हसन का डांस देखता हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई डुएट परफॉर्मेंस नहीं दिया गया तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना? आई मीन आई एम वेरी ऑनर्ड, मैं राजामौली सर की बहुत बड़ी फ़ैन होती हूँ. और बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये भी वायरल हो रहा था कि इसका फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया जा रहा था. कैन वी टॉक अबाउट द फैंस प्लीज? वन लास्ट क्वेश्चन. नो मैम प्लीज. थैंक यू. सो हूएवर वांट्स टू टेक पिक्चर फ्रॉम